वैसे ही हमारे बैंक की हम कार्य समिति के सदस्य हैं, तो कार्य समिति के सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रिविलेज कार्य कर रहे, ये नहीं है कि हमें कोई पोजीशन दी। कार्य समिति का सदस्य होने का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई विशेष जिम्मेवारी है, हम उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए। एग्जीक्यूटिव तुम्हारी आइडिया में
का एक्शन पॉइंट आया वो होगा अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो दलित है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, हमारी सारी ताकत उनको मुख्य धारा में लाना, उस अक्षम को सक्षम बनाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और जी अंत्योदय के लिए जहां अटल जी मुख्य प्रधानमंत्री के काल में और हमारे विभिन्न मुख्यमंत्रियों के काल में जहां अंत्योदय के नाम से गरीबों की चिंता शुरू हुई, वहीं जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और उसके साथ साथ सबका विश्वास। और इस बात को लेकर के मामले में ये हमारी आर्थिक नीतियों के कार्यक्रमों की नीति नीति को ध्यान में रखते हुए यह हमारी यात्रा रही है, इसको हमको समझ करके चलना चाहिए। मित्रों, कार्यकर्ता जड़मूल कब होता है, कार्यकर्ता स्थूल कब होता है, कार्यकर्ता स्टैग्नेंट कब होता है? जब कार्यकर्ता यह समझ लेता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, अब मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। समझो कि आपका पतन होना शुरू हो गया। इसलिए कार्यकर्ता के नाते हमेशा कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, कुछ नया अपने आप में पढ़ना, यह हमारी आवश्यकता होती है। और इसलिए हम कार्यकारिणी के सदस्य हो गए, इसलिए वी नो एवरीथिंग और अब हमें कोई जरूरत नहीं है। यह एक तरीके से अपने विकास को रोकने का प्रथम चरण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी योग्यता को बढ़ाते जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी रेलिवेंस को बढ़ाना है तो अपनी योग्यता को बढ़ाते जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर दिन हमको और मेच्योर बनाए, और मेच्योर हम हमेशा राजनीतिक डिस्कोर्सेस से सीखते हैं। इसलिए हमको मेच्योरिटी को टीम के साथ लेकर के चलना है और उसके साथ साथ हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बननी चाहिए। मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी की जो 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की पार्टी है, उस तस्वीर को बनाने वाले मेरे सामने बैठे हमारे ये कार्यकारिणी के सदस्य, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, इनकी इनकी स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए, हमारी योग्यता बढ़नी चाहिए। हम कई बार बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग कहते हैं है तो बहुत अच्छा, लेकिन बात करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका व्यक्तित्व ही आपके आड़े आ रहा है। यू कैनॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। इफ यू वॉन्ट टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज तो इसके लिए आवश्यक होगा कि आप अपनी नीति नीति को निश्चित रूप से परिवर्तित करते हुए उसके उपयोगिता बढ़ाते हुए अपनी स्वीकार्यता बढ़ाते हुए हमको चलने की जरूरत है। मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है। मैं अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक थी। उस पदाधिकारी बैठक में मैंने अपने साथियों से शेयर किया। मैंने कहा मित्रों देखो, आप में से किसी भी व्यक्ति ने न प्रत्यक्ष में न परोक्ष में मेरे साथ सिफारिश की कि मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी बनना, न ही किसी ने यह कहा कि मैं इनके कारण बना या मैं इनके कारण नहीं, न ही किसी ने आप अधिकारी और पदाधिकारी बने हैं। आप में से कई ऐसे हैं जिनसे मैं मिला भी नहीं, लेकिन आपको भी सूचना प्रेस के माध्यम से मिली कि आप राष्ट्रीय पदाधिकारी बने। और इसके साथ साथ आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इनके कोटे में आए हो या उनके कोटे में आए हो। यहां सब कोई जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट कार्यकर्ता है और बिना सिफारिश के आए हैं। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव, यह हमको समझना चाहिए। यह हमारे वैल्यू सिस्टम का कारण है। हमारे यहां हम मांग नहीं करते, हमारे को दिया जाता है और जो जिसको मिलता है वो अभी आश्चर्य में पड़ जाता है कि पार्टी का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, मूल्यांकन करने का तरीका कैसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझसे व्यक्तिगत रूप में मिला भी नहीं है तब भी मैं मनोनीत होता हूं। यह हमारे वैल्यू सिस्टम में से पार्टी निकल करके आई है, इसको हमको समझना चाहिए। हम एनसीपी के कार्यकर्ता नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, जहां पद एक है और 50 लोग विजिटिंग कार्ड लेकर के एक ही पद पर घूम रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर 6 महामंत्री होंगे तो 6 ही होंगे, अगर 12 वाइस प्रेसिडेंट होने हैं तो 12 ही होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये रीति नीति संभव है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, पिछले दिनों हम सब लोग संक्रमण काल से गुजरे और अभी भी गुजर रहे हैं। दुनिया मुसीबत में थी, दुनिया पशुपेश में थी, लेकिन हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी उपलब्ध रहा, जिसने इस संक्रमण काल से देश की 130 करोड़ जनता को इससे बाहर निकाला और साथ ही साथ दुनिया को भी रास्ता दिखाया है, इसको हमको समझना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, हर वक्तव्य में इस बात को कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि पॉलिसी मेकिंग एंड बोल्ड डिसीजंस ये बोल्ड नेता ही कर सकता है। आप देखिए, सारा पाश्चात्य देश कंफ्यूजन में था, वेस्ट जानता नहीं था लॉकडाउन लगाएं या इकॉनमी संभालें। अमेरिका आज दिन तक नहीं जान सका कि लॉकडाउन लगाना जरूरी था या इकॉनमी संभालना जरूरी था। बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश, जिनके हेल्थ सिस्टम्स कहीं ज्यादा सुदृढ़ थे, उनके हेल्थ सिस्टम्स क्रम्बल डाउन कर गए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोल्ड और टाइमली डिसीजन लेकर के लॉकडाउन लगाया गया, और इस लॉकडाउन के कारण हम कह सकते हैं कि 130 करोड़ देश की जहां हैंड होल्डिंग हुई, वहीं देश को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया गया। हमारे पास एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, आज 16 से उससे ज्यादा हमारे पास कोविड के हॉस्पिटल्स हैं। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक लैब होती थी पुणे में, और बाद में उसके सेंटर्स बने कोई 500 के आसपास। आज लगभग जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो 1668 बनकर के तैयार हुए, और उस समय में टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 1500 थी, आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 लाख पर डे हो गई है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हम वेंटिलेटर्स नहीं बनाते थे, आज हम लोग लगभग 3 लाख वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। उसी तरीके से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम इंपोर्ट कर रहे थे, आज भारत 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पर डे बना रहा है और अब एक्सपोर्ट कर रहा है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके से देश को कोविड के लिए तैयार किया, और आज हमें खुशी है कि हमारा रिकवरी रेट 85% से ज्यादा चला गया है, कई स्टेट्स में यह 90% पहुंच रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मॉर्टैलिटी रेट अच्छा हमारा अच्छा है, लेकिन इसको अब इससे हम संतोष कर लें ये जरूरी नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड का मैनेजमेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बखूबी हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं। मैं चाहूँगा ये नैरेटिव बार बार हमारे कार्यकर्ता नीचे जमीन पर बताने का प्रयास करें। आंकड़े बताने कठिन होते हैं, लेकिन वी आर पॉलिटिकल वर्कर्स, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें नैरेटिव भी सेट करना है और कार्यकर्ता को सक्षम बनाना है ताकि वह नीचे जब व्यक्ति के जब बात करे तो आंकड़ों सहित वह बात को पेश कर सके, इस बात का हमको प्रयास करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी और यूएनओ ने भी भारत के गरीब कल्याण पैकेज की सराहना की है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डॉक्टर टेड्रोस ने भी कहा, इंडिया हैज नॉट ओनली एड्रेस द हेल्थ इश्यूज, इंडिया हैज ऑल्सो एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यूज। यूएनओ ने कहा कि गरीब कल्याण पैकेज एंड आत्मनिर्भर भारत आर वेलकम स्टेप्स विच शुड बी रेप्लीकेटेड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो। ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आई। हम सिर्फ दवाई अपने लिए हमने नहीं प्रोड्यूस की, हमने 122 देशों में दवाई पहुंचाई है। यह भारत की छवि मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के मैनेजमेंट में इसका प्रयोग हुआ, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, जब हम गरीब कल्याण पैकेज की बात करते हैं तो गरीब कल्याण पैकेज में 6 साल में मोदी जी ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, इसका भी इसमें हमको प्रतिबिंब दिखता है, इसमें हमको इसका आईना दिखता है। 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए पहुंचाना, इस देश में जहां 1986 में 85 में
एक प्रधानमंत्री बोलते थे कि एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। उस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की अवस्था में बिना पोस्टमैन बिना मनी ऑर्डर के 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचा करके 20 करोड़ महिलाओं को सशक्तिकरण किया। यह हमको समझना चाहिए, यह है परिवर्तन। 80 करोड़ की जनता को छठ के महीने तक दीपावली तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई। कभी सोचा था? 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए 3-3 सिलेंडर की व्यवस्था कभी सोचा था? कभी सोचा था कि दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए 1000 रुपए लगभग 1 करोड़ की जनता को पहुंचाने की व्यवस्था होगी और यह भी उनके खातों में सीधा पहुंचाने की व्यवस्था? यह सब मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किया गया है। मित्रों, ये जो आत्मनिर्भर पैकेज का विषय है, हम लोगों ने एक अभियान लिया था जिस अभियान के तहत हम लोगों ने आत्मनिर्भर पैकेज के जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ हमने अपने आप को इंगेज किया है। लेकिन यह काम कोई 15 दिन का नहीं है, कोई 1 महीने का नहीं है। मैं चाहूंगा कि चंद्रकांत दादा पाटिल आत्मनिर्भर पैकेज के विषय पर एक वर्कशॉप लगाएं और पहले प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यों को और बाद में जिला के कार्य समिति के सदस्यों को, सबको आत्मनिर्भर पैकेज के डिटेल्स को समझाएं ताकि वह समझ करके भारत की, महाराष्ट्र की जनता को समझाने का प्रयास करें। यह आपदा को अवसर में बदलने का समय है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का यह आत्मनिर्भर पैकेज दिया, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में कोलैटरल फ्री लोन देने की व्यवस्था की है, 1,10,000 करोड़ रुपए शायद सैंक्शन हो चुका है, उससे ज्यादा सैंक्शन हो चुका है। हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोगों का डेफिनेशन बदल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास हुआ है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होना है फार्म्स गेट पर, फार्म्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वैल्यू एडिशन पर, किस तरीके से अनाज बाजार में सुविधा से पहुंच सके, बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा कि इनकी बारीकियों को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझे, पहले समझे और बाद में जनता को समझाने का प्रयास करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 10,000 से ज्यादा एफपीओस बनते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक्टिविज्म के बगैर ना बने। हमें देखना चाहिए कि सच्चा किसान, मेहनती किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल बने। और आज जो फार्म्स में फार्मर के लिए रिफॉर्म आया है, मित्रों इसको आप समझिए, ये किसानों को 70 साल में कुछ नहीं किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आजाद कर डाला है, इसको समझने की जरूरत है और इसको जानने की जरूरत है। मैं किसान हूं, मैं हिमाचल से आता हूं, हमारे यहां से सेब आता है, दिल्ली की मंडी में हमारे सेब व्यापारी को पता ही नहीं चलता कि उसका सेब बंगलौर में बिका या कलकत्ता में बिका, उसको यह पता ही नहीं चलता कि उसका सेब किस भाव बिका। आज भी किसान बिचौलियों के हाथ में गुलाम था, उसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। अब तुम अपने घर बैठे दुनिया के कहां पर किस सेब का या प्रोड्यूस का क्या दाम है यह तुम जान सकोगे। इतना ही नहीं, अगले सप्ताह तुम्हारे प्रोड्यूस का क्या दाम होगा यह भी तुमको पता होगा। तुम चाहोगे तो आज बेचोगे, अगर दाम अच्छा मिलेगा तो तुम एक सप्ताह बाद बेचोगे। यह ताकत तुमको किसानों को दी गई है, तो हमारे किसान भाइयों को दी गई है, इसको हमको समझना चाहिए। यह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय है, शरद पवार कहें तो बहुत अच्छा और मोदी जी कहें तो यह एंटी फार्मर्स, यह कैसा संविधान है, यह कैसा विधान है, यह कैसी सोच है? शरद पवार साहब ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमको बढ़ावा देना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी प्रोग्रेसिव, यह गतिशील होगा, यह आगे बढ़ने वाला होगा, यह फ्यूचरिस्टिक होगा। और आज जब मोदी जी ने उसको लागू कर दिया और यह तय कर दिया कि किसान के फेवर में ही हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगा,
किसान को ही उसका लाभ मिलने वाला है, नुकसान होगा तो व्यापारी को होगा, फायदा होगा तो किसान को होगा, यह तरीका ला करके खड़ा किया, तो एंटी फार्मर्स हो गए। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम एपीएमसी से फ्रूट्स को निकालेंगे बाहर। कांग्रेस पार्टी 2019 के मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम एपीएमसी से किसानों को आजाद करेंगे। तुम लिखते रह गए, मोदी जी ने आजाद कर दिया, अब आजाद कर दिया तो ट्रैक्टरों पे सोफा लगा करके घूमने लग गए। क्या तरीका है तुम्हारा, किस तरीके से तुम सोचते हो, यही तुम्हारी सोच है? और तुम किसानों के कितने बड़े उनके प्रति सोचने वाले हो, यह बात जग जाहिर होती है। उनको कितना तुम अपने साथ जोड़ रहे हो, ये बात समझ में नहीं आती। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक एक की जिम्मेवारी है कि फार्मर्स के रिफॉर्म्स को हम लेटर और स्पिरिट में नीचे तक बताएं। 1955 का शायद एसेंशियल को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, 1955 का कांग्रेस पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा, वी विल गेट अवे ऑफ दिस एज ओल्ड 1959 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तुमने लिखा, मोदी जी ने करके दिखा दिया, आज तुम फिर ट्रैक्टर पर घूम रहे हो और ट्रैक्टर का निरादर कर रहे हो। अरे कैसे किसान हो, कैसे किसान नेता बनते हो? कोई हल को जलाता है, कोई ट्रैक्टर को जलाता है? यह तो टीका करने के लिए, पूजा करने के का औजार है। कोई अपने जिससे वो जीविका कमाता है उसका निरादर करता है? आप न किसान हो, न किसान की आत्मा में आप में बसती है, आप किसान को पहचानते ही नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय किया है कि हम ट्रैक्टर का भी सम्मान करेंगे, हल का भी सम्मान करेंगे और किसान का भी सम्मान करेंगे, इसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस बात को हम लोगों ने आगे लेकर के चलने का, इसलिए महाराष्ट्र से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने यूनिट के माध्यम से ये किसान के रिफॉर्म्स, फार्मर्स रिफॉर्म्स, इसको गहराई से अध्ययन करें, खुद समझें, लोगों को समझाएं, किसानों को समझाएं और किसानों को इससे आने वाले फायदे के बारे में भी बताएं। एमएसपी रहेगी, हम लोगों ने साफ कहा पहले। अच्छा, एमएसपी में लागत का डेढ़ गुना किसने दिया? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? कब हमारे शरद जोशी की कमेटी ने कब कहा था? कहां थी यूपीए की सोई हुई सरकारें? कहां थे डॉक्टर मनमोहन सिंह? कहां थे बाकी सारे लोग जिसको कहते हैं कि कान में रुई डाल करके बैठे रहे? ये 2014 में मोदी जी की सरकार आई, स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और स्वामीनाथन ने मुक्त कंठ से कहा कि आज मैं महसूस करता हूं कि ये एमएसपी दे करके और लागत का डेढ़ गुना दे करके मोदी जी ने हमारे कार्य, हमारे सिफारिश को लेटर ऑफ स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है, ये बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने लागू की? सॉयल हेल्थ कार्ड किसने लागू किया? 16 करोड़ लोगों को सॉयल के बारे में जानकारी दी, फार्मर्स को। ये छोटी घटना है भारत में? किसानों के सब अपने आप को किसान नेता कहते थे, सब अपने आप को किसान नेता कहते थे। आप बताइए कौन किसान नेता है जिसने किसान के लिए एक भी काम किया? काम किया है किसानों के लिए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उन्होंने किसानों की तस्वीर बदली है, यह हमको समझना चाहिए और इस बात को हमको लेकर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। इस बात को लेकर के हमको बीच में जाना चाहिए। जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर हम एग्रीकल्चर बजट की दृष्टि से देखें तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि आज 1,36,000 करोड़ बजट इसका बन गया है एग्रीकल्चर का, जो 12,000 करोड़ था, 12,000 करोड़ 2009-10 में था, आज मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 1,36,000 करोड़ सालाना कर दिया है। यह बजट का विकास हुआ है, इसको हमको समझ, इट इज 11 फोल्ड में इसको बढ़ाया गया है। उसी तरीके से ये जो हमारे अपने प्रोडक्शन है वह भी बहुत तीव्र गति से बढ़ी, इकोनॉमी भी बहुत फास्ट गति से बढ़ी है, यह हमको समझना चाहिए। इसको हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि एक अच्छा, हमारी तरफ से तो एक अच्छा पैम्फलेट गया ही है फार्मर्स के बारे में,
लेकिन उसको महाराष्ट्र के अनुकूल बनाकर, महाराष्ट्र के डेटा को भी डाल करके, अपने आप पहले हमारा कार्यकर्ता उसको समझे, उसको अपना आत्मसात करें, और बाद में महाराष्ट्र की जनता को भी उसके बारे में गहराई से बताएं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, जहां तक विकास के दृष्टि से और विषय हैं, हम ये भी जानते हैं कि एक साल के अंदर धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर के CAA से लेकर के और भव्य राम मंदिर की भूमि का भूमि पूजन से लेकर, ये सारे काम, कोई काम 500 साल पुराना एजेंडा था, कोई काम हमारा 70 साल पुराना एजेंडा था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने मोदी जी को ताकत दी और मोदी जी ने पॉलिटिकल विल के साथ इन सारी चीज़ों को पूरा किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, और हम सब लोगों को यह बात जनता के सामने बारंबार रखनी चाहिए, यह मैं कहूंगा। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के यूनिट ने, सेवा ही संगठन है, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 2,30,000 फूड पैकेट्स आपने बांटे हैं, आपने लगभग 42.5 लाख आपने राशन किट बांटा है, आपने लगभग 68 लाख फेस मास्क बांटे हैं, आपने लगभग 5,000 गांव को सैनिटाइज किया है, आपने पीएम फेयर फंड में लगभग 4 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैंने देखा आपके मंडल की ई बुक तैयार हो गई है, आपके स्टेट की ई बुक तैयार हो रही है, हम एक नेशनल ई बुक बना रहे हैं और UNO की 9 भाषाओं में ट्रांसलेट करेंगे। ये दुनिया का वो डॉक्यूमेंट बनेगा कि अगर सरकार ने काम किया तो सरकार के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने सेवा ही संगठन के साथ समाज को जोड़ करके इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाया है। यह एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम पेश करने वाले हैं दुनिया के सामने। इसलिए मैं महाराष्ट्र की यूनिट को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, मैं एक निवेदन आपसे ये भी करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जब भी शिक्षा नीति में कोई बात होती थी तो कोहराम मच जाता था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सामने आते थे, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं यहाँ पर वैचारिक मतभेद क्या हो गया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में आ गई है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2 लाख से ज्यादा सजेशंस के साथ आई है। मैं यहां धन्यवाद देना चाहूंगा प्रकाश जावड़ेकर जी को, आपके समय में इसका काम शुरू हुआ था जब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपने इसकी नींव रखी थी और आपने इस पर सजेशंस मांगे थे। मैं, मेरे आंकड़े सही होंगे शायद प्रकाश जी, 2 लाख से ज्यादा इसमें सजेशन आए, 50,000 से ज्यादा सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, और जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो सभी लोगों ने इसको एक ध्वनि मत से स्वीकार किया, समाज के सभी वर्ग ने। यह भारत की समग्रता की सोच मोदी जी के नेतृत्व में सामने आई है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास दिखाती है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को की गहराइयों को समझें, इसकी बारीकियों को समझें। मित्रों, हम अपने समय में हम विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, मुझे याद है पीयूष गोयल जी, आपको याद होगा 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे, हमने नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात छेड़ी थी, और हमने उस समय देखा कि सिर्फ 10+2+3, वो पहले 10+2+2 था, वो 10+2+3 हो गया, इसके सिवाय कुछ नहीं था। देयर वॉज नो चेंज, इट वॉज ओनली अ कॉस्मेटिक चेंज विच हैज टेकन प्लेस। लेकिन अभी की जो शिक्षा नीति आई है, हम लोग शिक्षा जगत से आए हैं इसलिए हम जानते हैं, यह भारत की शिक्षा नीति है, यह इंडिया की शिक्षा नीति नहीं है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बारीकी रखना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको मोदी जी के स्ट्रांग इरादों को पूरा करते हुए मेडिकल का एग्जामिनेशन कराने की व्यवस्था की गई, और मैंने इसको नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने का काम किया। बहुत विरोध हुआ, बहुत लोग विरोध में थे, लेकिन धीरे धीरे करके सबको हम साथ जोड़ते चले गए। हमने उसमें टेस्ट में एक बात रखी कि टेस्ट रीजनल लैंग्वेज में भी होगा, उस समय भी बड़ा विरोध हुआ, लेकिन कुछ स्टेट्स मान गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि होड़ लग गई, अगर बंगला में हुआ तो उड़िया में क्यों नहीं, अगर उड़िया में हुआ तो असमिया में क्यों नहीं, अगर मलयालम में हुआ तो तेलुगु में क्यों नहीं, अगर तेलुगु में हुआ तो कन्नड़ में क्यों नहीं। और मैंने कहा कि सब भाषाओं में कराओ, जो जो मांग करता है करते चले जाओ।
आज मालूम है नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट का अंतर क्या आया है, कि पहले डॉक्टर वो बनता था जो पब्लिक स्कूल में पढ़ करके आता था और जो सिर्फ इंग्लिश जानता था, आज डॉक्टर वो बन रहा है जो गांव के स्कूल से पढ़ करके रीजनल भाषा से आता है, वो डॉक्टर बन रहा है, ये अंतर आ गया है। इसलिए नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली पांचवी क्लास तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज रहेगा। अपनी भाषा, जो भाषा घर में गांव में बच्चा बोलता है, उसमें उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस शिक्षा नीति में अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि किसी को भी शिक्षा का एक्सेस मिलेगा। इस शिक्षा नीति में एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब यह है कि वो उसको एक्सेस मिलेगा, वो शिक्षा ले सकेगा। इस शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि मैं बायोलॉजी भी पढ़ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा हूं और मैं म्यूजिक भी पढ़ रहा हूं, मैं म्यूजिक भी पढ़ रहा हूं, फाइन आर्ट्स भी पढ़ रहा हूं और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रहा हूं। यह फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन वो नहीं होगा जो हमारे जमाने में होता था। हम एग्जामिनेशन देते थे, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैं पोजीशन होल्डर हूं, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैंने पास किया है और मैं पोजीशन होल्डर हूं, लेकिन एग्जाम कैसे देता था? 20 क्वेश्चन पढ़ लेता था और 20 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 6 क्वेश्चन आते थे और मैं उनको एक तरफ से लिखना शुरू करता था। 3 घंटे में पेपर होता था, 6 होते थे और हमको वो 35-30 मिनट में हमको एक क्वेश्चन का पेपर का आंसर देना पड़ता था और हम एक तरफ से लिखते, 3 घंटे लिखते चले जाते और नंबर आते थे 65-62। 10 दिन बाद कोई पूछ ले तो भूल जाते थे, क्योंकि वो मेमोराइज करते थे और वॉमिट करते थे। आज का एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा? इसमें आपका एनालिटिकल कर्व का की पहचान की जाएगी। आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा, आपको डरना नहीं पड़ेगा, आपको कोई 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 अपने अपने बुद्धि पर बोझ नहीं डालना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा और एनालिटिकल कर्व के माध्यम से आपको बढ़ना पड़ेगा और एनालिटिकल माइंड आपका कितना है ये उसमें से देखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस शिक्षा नीति की भी बारीकियों को हम जरूर लोगों के बीच में लेकर के जाएं, उनको बताएं, उनको समझाएं, ये मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा। मित्रों, एक बात आपके साथ मैं शेयर करता हूं। जब हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, जब हम कहते हैं ना स्वाभिमानी भारत, जब हम कहते हैं ना ताकतवर भारत, तो ये कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये ठीक है कि हमारा चाइना के साथ कभी डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ, कभी हमारा अन्य स्थानों पर स्टैंड ऑफ हुआ, फेस ऑफ हुआ, सब कुछ हम देखा है, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में ये दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, जो 2019 में 19 साल बाद कंप्लीट हुई है, जिससे कि LAC के सबसे नजदीक एयरपोर्ट से भी उसका लिंकेज मिला है, यह भारत की बदलती तस्वीर है और भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत खड़ा है, इसको हमको समझना चाहिए। आज हमको जान करके खुशी होगी कि 4,700 किलोमीटर की सड़क जो बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर एक्सपैंड करती है, ये पिछले 6 सालों में बन करके तैयार हुई है और पिछले 6 सालों में इसमें 32% का इजाफा हुआ है इस रोड को बनाने में। उसी तरीके से 14,450 मीटर के ब्रिजेस बने हैं इस सड़क पर और यह 98% का इंक्रीज हुआ है, यानी पिछले 6 साल में 98% काम इस पर हुआ, जिसमें 14,450 डबल लेन ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर ब्रिजेस ये बने हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 3 सालों के अंदर 380 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से सड़कें का सर्फेसिंग हुआ है। इसलिए चाइना के बॉर्डर पर इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में सशक्तिकरण हुआ है और मैं ये आंकड़े आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी इन आंकड़ों का प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। मैं यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, पॉलिटिक्स डज नॉट रिमेन इन वैक्यूम। राजनीति हमेशा किसी न किसी सब्जेक्ट और कंटेंट के साथ रहती है, इसलिए हमको इस एजेंडा सेट करना है। हम सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम एजेंडा सेट करें। चाइना को तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि 4,700 किलोमीटर की सड़क बनकर के तैयार है, इसलिए कि भारत मजबूत खड़ा हो गया है, इसलिए कि राफेल भारत में आ चुका है, इसलिए कि हमारे सक्षम ताकत लोगों ने देखा है, लोगों ने उरी स्ट्राइक देखी है, उरी के बदले में स्ट्राइक देखा है, एयर स्ट्राइक देखा है। ये सारी चीजों को देखने के साथ साथ भारत मोदी जी के नेतृत्व में बदला है, इसको समझ में आया है।
और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को इन सारी बातों को आगे रखने की जरूरत है और आप जरूर रखेंगे। जब मैं इस बात को कर रहा था कि हमारी यात्रा एकात्मानववाद से अंत्योदय, अंत्योदय से सबका साथ सबका विकास होते हुए आई है और आत्मनिर्भर भारत तक पहुंची है, तो इन सब में उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, ये सभी वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए ये नीतियां रही हैं और इन्होंने भारत की तस्वीर बदली है। स्वच्छता अभियान की अगर हम बात लें तो 9 करोड़ इज्जत घर बने, यानी 9 करोड़ घरों को हम मोदी जी ने इज्जत दिलाई और उनको जीने का एक नया स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता दिया। इसलिए बदलती तस्वीर को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी आगे गया। आप सबके साथ मैं शेयर करता हूं, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले शिक्षा में 17वें स्थान पर था और जब आपने सत्ता छोड़ी तो महाराष्ट्र 3रे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में महाराष्ट्र 6ठे स्थान पर था और जब आपने सत्ता छोड़ी तो वह 3रे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। आपने एग्रीकल्चर में 3 times 3-fold इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ये आपका, आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में कार्य हुआ है, ये हम सबको मालूम है। और हम आज जानते हैं कि आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, दाएं को बाएं का पता नहीं, बाएं को दाएं का पता नहीं, हाथ को हाथ का पता नहीं, बुद्धि कहां है मालूम नहीं, कौन चला रहा है मालूम नहीं, कहां से चल रही है सरकार मालूम नहीं। कोविड मैनेजमेंट में हमने देखा किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां काम किया और किस तरीके से सरकार उदासीन थी। इन सब बातों को उजागर करने की भी जरूरत है और ऐसी सरकार को आने वाले समय में लॉक स्टॉक और बैरल भेजने की भी जरूरत है, इसको लिए हम तैयारी करेंगे। मित्रों, महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। अगर आप मैंडेट देखें तो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं धोखा होता है राजनीति में, लेकिन अब यह याद रखना कि आने वाले समय में तीनों पार्टियां, आज हम विपक्ष में हैं, आने वाले समय में तीनों पार्टियां सदा सदा के लिए विपक्ष में रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले महाराष्ट्र में अपने बलबूते पर आएगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। और ये ताकत है हमारे में, लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके ध्यान में आया होगा कि यह धोखा देवेंद्र फडणवीस से नहीं हुआ है, यह धोखा कमल से नहीं हुआ है, यह धोखा महाराष्ट्र की जनता के साथ हुआ है और महाराष्ट्र की जनता इंतजार में बैठी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। वी आर द रियल ऑपोजिशन एंड इन कमिंग टाइम्स वी आर गोइंग टू बी द ओनली रूलिंग पार्टी इन महाराष्ट्र, इस बात को समझ करके चलने की जरूरत। मुझे आप सब लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, आपके साथ बहुत सी बातों पर मुझे चर्चा करने का मौका मिला। विपक्ष पर मैं क्या बोलूं उनसे, उनकी जिनकी कोई हस्ती हो, कोई हैसियत हो, मैं कहना नहीं चाहता। अच्छे दिन, अच्छी, अच्छे माहौल में मैं अपने शब्दों में कोई अपशब्द लाऊं या कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग न करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पार्टी आगे बढ़ रही है। हम सब लोग मिल करके सारी बातों को, सारी स्कीमों को जनता की सेवा में समर्पित करेंगे और उसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।